सुकमा जिले के छिंदगढ़ थाना अंतर्गत कुछ दिनों पहले अंधे कत्ल को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़ने में छिंदगढ़ पुलिस ने सफलता पाई है। आपको बता दें कि सुकमा जिला के छिंदगढ़ थाना राजा मुंडा में जंगल के भीतर में बने अपने खेत में काम कर रहे मांडवी गंगा को तीन अज्ञात व्यक्तियों ने गला काटकर उसकी हत्या कर जंगल में फेंक कर फरार हो गए थे, जिसकी सूचना पर थाना छिंदगढ़ ने अज्ञात तीन व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध कर घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा द्वारा एक कार्य योजना बनाकर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें गिरफ्त में लेने हेतु निर्देशित किया था। छिंदगढ़ पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध मांडवी कोसा को ग्राम रेड्डी पास से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ प्रारंभ की गई। पहले संदिग्ध मांडवी कोसा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगा, किंतु पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर अंततः उसने घटना शामिल अपने दो अन्य साथी ग्राम रेड्डी पार निवासी पदामी हांदा व ग्राम कांजीपानी निवासी लक्षा मुचाकी के साथ मिलकर ग्राम राजा मुंडा के गुनिया मांडवी गंगा की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पूछताछ में मांडवी कोसा ने बताया कि ग्राम नयापारा राजा मुंडा में उसके परिवार में दो नौजवान लड़के फांसी लगाकर खत्म हो गए थे, जिसमें उसे गुनिया मांडवी गंगा पर शक था, इसलिए उसने उसे मारने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने अपने दो साथी पदामी हांदा और लच्छा मुचाकी को तैयार किया और योजनाबद्ध तरीके से नयापारा राजा मुंडा में साथ आकर रुके थे और मौका देखकर उसके जंगल के भीतर स्थित खेत में जाकर उसकी निर्ममता से हत्या कर भाग गए थे। सुकमा से संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।